अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखें। आज हम इंशाल्लाह बनाएंगे चिकन सीख कबाब। ये बहुत ही आसान तरीके से बनेंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे तो मुझे थम्स अप दें, शेयर करें, और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। चले मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ कि इनमें मैं किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने चिकन यूज़ किया है, आप चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, या जिस तरह मेरी तरह आपके पास ब्रेस्ट चिकन है तो इस तरह आप घर में ही हाथ से छोटी छोटी बोटियों को कर लें, क्योंकि हम मशीन में डालेंगे तो ये क्रश हो जाएगा। इसके अलावा इसमें हमने नमक लिया है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया यानी ये 1 टेबल स्पून है, चाट मसाला है 1/2 टेबल स्पून, हरी मिर्च हमने यूज़ किया है 3 कुटी, लाल मिर्च है हम दोनों यूज़ कर रहे हैं, नमक मिर्च आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, पिसी काली मिर्च है 1/2 टीस्पून, लहसुन के जवे मैंने 6 अदद लिए हैं, और अदरक की हमने पेस्ट यूज़ की है 1 टीस्पून, और इसके अलावा इसमें लेमन जूस है 2 चम्मच, 2 टेबलस्पून लेमन जूस है, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी है, और धनिया लिया हमने तकरीबन 1/2 गट्ठी है और गट्ठी है, और साथ में प्याज हमने लिया है, ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे, क्योंकि प्याज के साथ ही जो कबाब हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे, तो साथ में गरम मसाला मैंने लिया 1/2 टीस्पून। अब मैं क्या करूँगी, इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने चॉपर में डालूंगी और हम इसको चॉप कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें मैंने इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है, और इसके अलावा मैंने आपको बताना था कि जो मेरे पास बोटियाँ थी, जो चिकन था वो तकरीबन 1 kg था, तो आप चिकन या कीमा जो है वो कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसके हम कबाब तैयार करेंगे इंशाल्लाह। अब जब कीमा तैयार हो गया था तो हमने क्या किया कि इसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च के डाल थे ताकि ये बाइंडिंग में अच्छी तरह मदद करे, और अब इसे थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो सीख कबाब तैयार करें और दूसरा हम इसके सैंडविचेस भी तैयार कर रहे हैं, तो आप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखे हैं, आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ स्लाइस लिए हैं ब्रेड के साथ, यहाँ पे खीरा है, टमाटर है जिनको मैंने गोल गोल काट लिया है, लेटस के कुछ पत्ते हैं, और हम इसमें जो सैंडविच बनाएंगे वो हॉट सॉस का बनाएंगे, केचप का बनाएंगे और मायोनीज का बनाएंगे। तो आप इसे सीख कबाब की शक्ल भी दे सकते हैं, और साथ में जो हम सैंडविच ब्रेड के अंदर यूज़ करेंगे जो कबाब, वो हम गोल शक्ल में बनाएंगे। चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई पैन में, तो मैंने इसका गोल सर्कल, पहले हम सैंडविचेस तैयार करेंगे तो मैंने गोल शक्ल में इसके अंदर डाल दिया। जब एक साइड पक जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, और अगर आपसे पतला मिक्सर बने तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आप इसमें कॉर्नफ्लोर के 2 से 3 टेबलस्पून डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें तो इसकी अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। अब देखिए एक तरफ कलर आ गया था तो मैंने साइड चेंज कर ली इसकी। देखें इस तरह हम लोग लगाएंगे, ये वाले जो स्लाइस है ये मायोनीज के हैं, ये वाले केचप के, और ये एक मायोनीज का, और ये चिली सॉस है। अब हम कबाब को और बाकी जो मैंने आपको ये लेटस और जो टमाटर था ये सब लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें ये मैंने 3 कबाब तैयार करी, अब क्या करेंगे इसके ऊपर लेटस रखेंगे हम लोग, थोड़ा सा लंबा था तो हम इसे उसी की लंबाई में काट लेते हैं। बिस्मिल्लाह, आपको जो भी पसंद है चीज़ वगैरह कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं। टमाटर रखे इसको, अब ये जो दूसरा स्लाइस है हम इसके ऊपर रख देंगे। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे कि सिर्फ 1 चम्मच तेल में हम इसको हल्का सा कलर दे देंगे और बाहर से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। अब हम चलते हैं सीख कबाब की तरफ। देखिए हम सीख कबाब तैयार करें, उसी बर्तन में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है, और हाथों पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के तो इस तरह मैं शेप दे के तो इसको फ्राई कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखें बहुत ही मज़े के सीख कबाब और सैंडविचेस तैयार हैं, और ये बहुत सॉफ्ट बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। चलिए इंशाल्लाह फिर आऊँगी बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।